ओम शांति। टुडे आज की तारीख है 27/5/18 और आज हम फिर से सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त धारी अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली। रिवाइज कोर्स की तारीख है 3/12/83। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है संगम युगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ भाग्य। सभी तैयार रहे, बाबा अवश्य ही आज ब्राह्मणों के भाग्य ऊंचे कहाँ कहाँ है वो अवश्य हम बच्चों को बताते जाएंगे। तो हम सभी नोट करेंगे कि हम ब्राह्मणों के भाग्यों की लिस्ट क्या है। तो मीठे मीठे बाप दादा बोले, आज रत्नागर बाप, आज रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख रहे हैं। ज्ञान रत्नों का महादान करने वाले मीठे मीठे बाप दादा, और फिर ऐसे ज्ञान रत्नों के रत्नागर बाबा के साथ ज्ञान के रत्नों का सौदा करने वाले सौदागर हम बच्चों को बाबा देख रहे हैं। तो ये हमारा पहले नंबर का ऊंचाते ऊंचा भाग्य कि हम डायरेक्ट रत्नागर बाप से सौदा कर रहे हैं। सौदा सभी बच्चों ने किया है, किससे सौदा किया और किन्होंने किया है, सौदा किससे किया है, यह स्मृति हमारे भाग्य का नशा चढ़ाती है। परंतु सौदा किन्होंने किया है, दुनिया के हिसाब से तो बहुत भोले बच्चे हैं, लेकिन भोले बच्चों ने चतुर सुजान बाप को जाना। तो ये भी हमारा भाग्य कि हम हैं भोले, लेकिन हमने अपने चतुर सुजान बाप को जाना। तो भोले हुए या चतुर हुए, दुनिया वाले जो अपने को अनेक बातों में चतुर समझते हैं, उसके अंतर में भेंट में आप सब को भोले समझते हैं, लेकिन आप सब उनको भोला कहते हो, क्योंकि चतुर सुजान बाप को जानने की समझ चतुराई उन्होंने नहीं है। आप लोगों ने मूल को जान लिया तो विस्तार में जा रहे हैं। आप सब ने एक में पदम पा लिया, एक बाबा में हम बच्चों ने सब कुछ पा लिया, फिर एक कदम में पदमों को भी पाया और वह अरब खरब गिनती ही करते रह गए। वो गिनतियों में पड़े हुए हैं और हम तो एक कदम भरते हैं, पदम की कमाई करते चलते जा रहे हैं। पहचानने की आंख, जिसको श्रेष्ठ नॉलेज की आंख कहते हैं, जो तीसरा दिव्य नेत्र दिव्य बुद्धि का बाबा ने दिया, जिससे हम बच्चों ने अपने पिता परमात्मा को पहचाना, वो कल्प कल्प किसको प्राप्त होती है, वो दिव्य बुद्धि का दिव्य नेत्र किसको प्राप्त होता है, आप भोली आत्माओं, स्वयं भगवान हम बच्चों की महिमा कर रहे हैं। वे क्या और क्यों, ऐसे और कैसे के विस्तार में ढूंढते ही रह जाते हैं, और आप सभी ने वो ही मेरा बाप है, मेरा बाबा कहकर रत्नागर से सौदा कर लिया। वो अभी तक इस बात में उलझे हुए हैं कि वो क्या है, क्यों है, ऐसा है, वैसा है, वो उसी विस्तार में अभी घूम रहे हैं, उसी में चक्कर काट रहे हैं। और बाबा कहते हैं, आप बच्चों ने क्या किया, आप तो निश्चय बुद्धि हो गए कि यही मेरा बाप है, और फिर मेरा बाबा कहकर इतना रत्नागर बाप पर हक लगा लिया, जो बाप ने भी आपसे सौदा कर लिया।
ज्ञान सागर कहो, रत्नागर कहो, रत्नों की थालियां भर भर कर दे रहे हैं और हम बच्चों पर खूब रत्न लुटा रहे हैं बाबा। तो उन रत्नों से तुम खेलते हो, खेलते भी किससे हो? जो स्वयं प्रभु ने तुम बच्चों को रत्न दिए हैं ज्ञान के, उनसे तुम खेलते हो, रत्नों से पलते हो। खेलते भी रत्नों से हो, पलते भी रत्नों से हो, फिर रत्नों में झूलते हो, ज्ञान के विचार सागर मंथन के झूले में झूलते भी हैं। रत्न ही रत्न है, जैसे जहाँ भी हम अपनी आँख चलाएं, वहाँ हमें क्या दिखाई पड़ता है? रत्न ही रत्न। हिसाब कर सकते हो कितने रत्नों में खेलते हैं, कितने रत्न मिले हैं? गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अमृत वेले आँख खोले तो बाप से मिलन मनाते रत्नों से ही खेलते हो ना। जैसे ही आँख खुलती है, बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं तो बाबा के द्वारा रत्नों से ही खेलते हैं। सारे दिन में धंधा कौन सा करते हो? धंधा भी तो ज्ञान रत्नों का ही करते हैं, रत्नों का ही तो धंधा करते हो ना। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की पॉइंट्स गिनते हो ना, बुद्धि भी हमारी ज्ञान रत्नों की पॉइंट्स की लिस्ट बनाती रहती है। तो रत्नों के सौदागर, रत्नों की खानों के मालिकों, खाली रत्नों के मालिक नहीं, लेकिन हर बच्चे के पास जैसे एक एक अपनी खान है रत्नों की, जिससे रत्न निकलते रहते हैं। जितने कार्य में लगाओ रत्न, उतने वो बढ़ते ही जाते हैं। और ये ऐसे वंडरफुल रत्न हैं, जितना हम उसको कार्य में लगाते हैं, वो वृद्धि को प्राप्त होते हैं, बढ़ते जाते हैं। सौदा करना अर्थात माला माल बनना, बाबा कहते सौदा क्या किया, माला माल बन गए हो। तो सौदा करना तो आ गया है, सौदा कर लिया है, अभी करना है। फिर से बाबा भी पूछ रहे हैं, सौदा करना तो सीख लिया, सौदा कर भी लिया, लेकिन फिर भी बाबा पूछ रहे हैं कि क्या सचमुच सौदा कर लिया है या अभी करना है। सौदागर नंबरवार हैं, बस सभी नंबर वन हैं। सभी सौदागर, आप बच्चे नंबरवार हो या सभी नंबर वन हो, लक्ष्य तो सभी का नंबर वन है, लेकिन नंबर वन सदा रत्नों में इतना बिजी रहेगा। अब बाबा नंबर वन की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि जो नंबर वन होगा उसकी विशेषता क्या होगी, वो सदा रत्नों में इतना बिजी रहेगा जो और कोई बातों को देखने, सुनने और सोचने की फुर्सत ही नहीं होगी, वो उसमें ही व्यस्त रहेगा। माया भी उनको बिजी देखकर, माया भी उनको व्यस्त देखकर वापस चली जाएगी। माया को बार बार भगाने की उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जो वन नंबर होगा उनकी विशेषता। तो आज बाप दादा एक तरफ बड़े बड़े नामी ग्रामी नॉलेजफुल कहलाने वाले बच्चों को देख रहे थे, क्या क्या कर रहे हैं बाबा, देख रहे थे कि वो बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। अनेक बातों की समझ है, एक बात की समझ नहीं। अब बाबा शिक्षा देने पर आ रहे हैं तो बाबा कहते हैं अनेक बातों की समझ है पर एक बात की समझ नहीं है। क्या है? उसके अंतर में ब्राह्मण बच्चों को देख रहे थे, जो दुनिया में भी बहुत नॉलेज वाले बच्चे हैं उनको भी बाबा देख रहे थे। तो उनके अंदर भी नॉलेज तो बहुत है,
बहुत प्रकार से है, परंतु एक बात की नॉलेज बाबा नहीं देख रहे थे उनमें, और उसकी भेंट में ब्राह्मण बच्चों को देख रहे थे, तो बाप दादा भी दोनों का अंतर देख गीत गा रहे थे। दोनों के बीच जो अंतर है वो बाबा देखकर गीत गा रहे थे। आप भी वह गीत गाते हो? हाँ, बाबा कहते हैं जो बाबा गीत गाते हैं वो गीत आप भी गाते हो। जो ब्रह्मा बाप को बहुत प्रिय लगता है कौन सा गीत होगा? याद करें, बाप दादा बच्चों के प्रति गा रहे थे, जो आज ब्रह्मा बाप बहुत मस्ती में गा रहे थे। ब्रह्मा बाबा को वो गीत आज बच्चों के प्रति सूझ रहा था, क्योंकि बाबा आज बच्चों को देख बहुत खुशी में आ गए थे। कितने भोले, कितने प्यारे, कितने मीठे बच्चे। हाँ, कौन सा गीत? बच्चों में जैसे खो गए थे बाबा, और बच्चों की महिमा का गीत गा रहे थे कि मेरे बच्चे कितने भोले हैं, कितने प्यारे हैं, और कितने मीठे मीठे बच्चे हैं। जैसे आप लोग बाप के लिए गीत गाते हो ना, बाप भी बच्चों के लिए यही गीत गाते। ऐसे ही इस ही स्मृति स्वरूप में किसके प्यारे हैं? जब इस स्मृति स्वरूप में आप बच्चे हो तो किसके प्यारे हो? स्वाभाविक है हम बाप के प्यारे हैं। किसके मीठे हो? कितने मीठे हैं? कौन से बच्चों का गीत बाबा गाता है? तो बच्चे कितने मीठे हैं, किसके प्यारे हैं, और कौन बच्चों का गीत गाता है? बाबा तो गाता है, लेकिन और भी कोई गाता है? यह स्मृति सदा निर्माण बनाए स्व अभिमान के नशे में स्थित कर देती है। जब बच्चे ये सोचते हैं कि हमें हमारे लिए ये गीत कौन गाता है, जब ये स्मृति में आता है कि हमारे लिए स्वयं भगवान गीत गा रहे हैं, तो यह स्मृति स्वरूप का जो नशा है वो नशा क्या करता है? सदा के लिए निर्माण बनाता है, और स्व अभिमान के स्वाभिमान के नशे में स्थित कर देता है। यानी स्वमान में हम स्थित हो जाते हैं, इसी नशे में कोई नुकसान नहीं। यही एक ईश्वरीय नशा, ऐसा नशा है जिसमें कभी भी कोई नुकसान होता नहीं, इतना नशा रहता है। अब बाबा पूछ रहे फिर से कि ये जो नशा आपके पास है, तो आप इसी नशे में सदा रहते हो? ये नशा रहता है, आधा कल्प आपने भगवान के गीत गाए। भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग जब से शुरू हुआ तब से लेके जब तक बाप नहीं मिले, हम भगवान के गीत गाते रहे। और अब क्या हो रहा है? अब भगवान गीत गा रहे हैं, रिटर्न में अभी बाबा हम बच्चों का गीत गा रहे हैं। दोनों तरफ के बच्चों को देख रहम और स्नेह दोनों आ रहे थे। उन बच्चों को देख जो भक्ति मार्ग में ज्ञान में पावरफुल है, उनको देख के रहम पड़ रहा था। और यहाँ जो बच्चे रत्नागर बाप से सौदा करने वाले भोले मीठे प्यारे बच्चे, उनको देखकर बाबा को स्नेह आ रहा था। तो दोनों बच्चों के प्रति रहम और स्नेह बाबा को दिखाई दिया। फिर बाबा कहते ब्रह्मा बाप को आज भारत के और विदेश के अनजान बच्चे विशेष याद आ रहे थे। आज ब्रह्मा बाबा को जो बच्चे अनजान हैं ब्रह्मा बाप से भी,
उन बच्चों की बाबा को याद आ रही थी। दुनिया वाले तो उनको वीआईपी कहते हैं, लेकिन बाप उन बच्चों को वीआईपी अर्थात देखो बाबा की परिभाषाएं कितनी निराली हैं। बाबा कहते दुनिया वाले उनको वीआईपी कहते हैं जो अज्ञानी है, बाप को जानते नहीं, ऐसे बच्चों को बाबा याद कर रहे थे। परंतु उन वीआईपी का परिभाषा, वीआईपी का अर्थ बाबा के दिल में क्या है, वेरी इनोसेंट पर्सन। कितना अच्छा बाबा ने अर्थ बताया, वेरी इनोसेंट पर्सन, इस रूप में देख रहे थे तभी तो रहम पड़ रहा है, नहीं तो रहम नहीं पड़ता। आप सेंट हो और फिर हम बच्चों को बाबा कैसे देख रहे हैं, सेंट मीन्स संत के रूप में, और वो है इनोसेंट। अभी उनों को भी तुम अंजलि दो, बाबा कहते तुम सेंट हो, तुम उन इनोसेंट को अंजलि दो। अंजलि देने आती है आपके लाइन में उनों का नंबर अभी पीछे है व आगे है, क्या है, क्या समझते हो? सब चुप। फिर बाबा ने साइलेंस की ड्रिल कराई, फिर वापस बाबा बोले ऐसे विशेष साइलेंस की शक्ति उन आत्माओं को दो। बाबा ने प्रैक्टिकल उनके लिए क्या करना है वो करके दिखाया, तो साइलेंस की ड्रिल कराई, तो बाबा ने कहा यही साइलेंस की शक्ति उन आत्माओं को दो। अभी संकल्प उठता है कि कोई सहारा, कोई नया रास्ता मिलना चाहिए। उन्हों को भी दिलों में अभी ये संकल्प उठने लगा है, अभी उनकी भी चाह उत्पन्न हो रही है। अब राह दिखाना आप सबका कार्य है। अब उनको तो दिल में संकल्प उठा, पर अभी जो संकल्प उठा उसको पूरा कौन करेगा? तो बाबा कहते हैं अब राह दिखाना आप सबका कार्य है। एकता और दृढ़ता, ये दो साधन है राह दिखाने के। संगठन की शुभ भावना ऐसी आत्माओं को भावना का फल दिलाने के लिए निमित्त बनेगी। बाबा कहते संगठित रूप में साइलेंस की शक्ति उनको भेजो और उनको साइलेंस का अनुभव कराओ, तो वो उनकी भावना का फल देने में उनको मदद करेगी। सर्व का शुभ संकल्प उन आत्माओं में भी शुभ कार्य करने के संकल्प को उत्पन्न करेगा। संगठन की शक्ति, साइलेंस की शक्ति क्या करेगी, उन आत्माओं में शुभ कार्य करने का संकल्प उत्पन्न करेगी। इस विधि को अभी से अपनाओ, अभी से ये विधि चालू करो। किसके प्रति? उन वेरी इनोसेंट पर्सन के लिए, अर्थात वीआईपी के लिए। फिर भी बड़ा कार्य सफल तब होता है जब सबके शुभ संकल्पों की आहुति पड़ती है। तो समझा, बाप दादा तो यही सभी के प्रति कहते हैं कि कोई भी बच्चा वंचित न रह जाए। बाप का मैसेज सभी को मिलना चाहिए। आप सभी तो मालामाल हो गए हो ना? हम तो मालामाल हो गए हैं। अच्छा, आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं ऐसे श्रेष्ठ सौदा करने वाले, श्रेष्ठ सौदागर क्या हुआ ये? अब बाबा याद प्यार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सदा रत्नों से पलने और खेलने वाले मास्टर रत्नागर बाप के अति स्नेही सदा सहयोगी सिकिलदे पहचानने के नेत्रधारी सदा सेवाधारी सदा मेरा बाबा के
गीत गाने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब मीठे मीठे बाप दादा ने पार्टियों से मुलाकात जो की है तो वो हम सुनेंगे। तो मद्रास निवासियों प्रति बाप दादा बोले, सभी उमंग उत्साह में हो ना, सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है ना कि बाप को कैसे प्रत्यक्ष करें। हाँ, तो चेन्नई निवासी सारे बाबा के सामने बैठे हैं, तो बाबा उनको कहते हैं आप सभी के दिलों में एक ही उमंग उत्साह है, और वो कौन सा उमंग उत्साह है कि हम बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करें जल्दी से जल्दी। अभी तो स्टेज भी तैयार कर रहे हो ना, स्टेज तैयार कर रहे हो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए, यानी अपनी स्थिति बना रहे हैं। तो स्थिति क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम बाबा का झंडा दिल पे पहले लहराएंगे। जब हम दिल पे लहराएंगे तब वो झंडा सभी स्थानों पर लहरेगा और बाप दादा प्रत्यक्ष होंगे। स्थूल झंडा और भी लहराते हैं, आप सभी कौन सा झंडा लहराएंगे? ये स्थूल झंडे की बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो झंडा तो सभी अपने अपने देश का लहराते हैं, कई मंदिर वाले अपनी रीति से भी लहराते हैं। कपड़े वाला झंडा लहराएंगे, क्या करेंगे आप लोग? क्या करोगे? कपड़े वाला झंडा लहराओगे, क्या करोगे? वह तो हुआ निमित्त मात्र। जो शिवरात्रि पर हम शिव बाबा का कपड़े वाला झंडा लहराते हैं, वो बाबा कहते वो तो हुआ निमित्त मात्र, लेकिन असली झंडा कौन सा लहराएंगे? बाप को प्रत्यक्ष करने का, बाप आए हैं ये आवाज फैलाने का झंडा लहराएंगे। हम बच्चे ये झंडा लहराएंगे, तो इसकी तैयारी कर रहे हो ना? सभी आत्माएं जो वंचित हैं, उनको रोशनी मिल जाए, रास्ता मिल जाए, यही पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं और आगे भी करना है। कैसे हम एक एक बाबा के बच्चों को संदेश बाप का पहुंचाएं, यही तो सोच रहे हैं और यही कार्य कर रहे हैं। बाबा कहते अभी तो कर रहे हो, परंतु आगे भी करना है। अभी से ये लहर फैलाएंगे तब उस समय चारों ओर ये लहर फैला सकेंगे, ऐसी तैयारी की है ना? सदा ये सोचो जो अब तक क्या सोचे वो भी बाबा देखो सिखा रहे हैं, कि सदा ये सोचो कि जो अब तक कहाँ नहीं हुआ है वो हम करके दिखाएंगे। नवीनता जो किसी ने नहीं की वो हम करके दिखाएंगे। तो नया कुछ करना है, नई बात यही है जो सर्व आत्माओं को परिचय मिले और वो समझे, फिर वर्णन करे और फिर अनुभव करे कि बाप आ गए। बाबा कहते ऐसा कुछ नया करो जो सभी आत्माओं को बाप का परिचय मिले और वो बराबर समझे बात को, समझ के वर्णन करे और फिर अनुभव करे कि मेरा बाबा आ गया। अच्छा, अभी हम सुनेंगे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा का मीठा वरदान। तो सतगुरु बाप का वरदान है निर्विघ्न स्थिति द्वारा। स्थिति तो हम सभी बना रहे हैं, परंतु कई बार स्थिति बनाते बनाते कई विघ्न आ जाते हैं, कभी माया के, कभी हिसाब किताब के, भिन्न भिन्न प्रकार के जो विघ्न आ जाते हैं, तो स्थिति एक रस नहीं रहती। तो बाबा कहते निर्विघ्न स्थिति यानी एक रस स्थिति द्वारा वायुमंडल को
पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि आपकी सेवा है, क्या सेवा है, पहले स्व को निर्विघ्न बनाना, पहले खुद को निर्विघ्न बनाओ, फिर औरों को निर्विघ्न बनाना। अगर खुद निर्विघ्न नहीं तो दूसरों को निर्विघ्न कैसे बनाएंगे? जो खुद विघ्नों में चलता हो वो दूसरों को विघ्नों से मुक्त कैसे करेगा? तो बाबा कहते हैं अगर स्वयं ही विघ्नों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रह सकेंगे। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति बनाओ। कमजोर आत्माओं को भी बाप के द्वारा प्राप्त हुई शक्ति देकर उनको शक्तिशाली बनाओ। जो आत्माएं कमजोर हैं, उनको बाप दादा के द्वारा जो आपको शक्ति मिली है, आप उन शक्तियों के साथ उनको शक्तियां देकर शक्तिशाली बनाओ। मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस स्थिति का अनुभव करो। पहले स्वयं अनुभव करो, तब आप उनको अनुभव करा सकेंगे, तब फिर वायुमंडल पावरफुल बनेगा। बाबा कहते इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। स्लोगन है आज का, जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं, हाँ सबसे रॉयल के रॉयल है परम पिता परमात्मा शिव बाबा। तो हम ऐसे रॉयल बाप के बच्चे हैं, तो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं, उनकी हर चलन से रॉयल्टी दिखाई देती है। इशारा दे रहे हैं बाबा हमारा धारणा की ओर ध्यान खिंचवा रहे हैं कि रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हो तो आपकी चलन में क्या दिखाई देना चाहिए? हर चलन में रॉयल्टी दिखाई दे। अच्छा, ओम शांति।